हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रिया. आई होप ऑल यर गुड एंड फाइन. सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चेक टीबीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि कैसे आपको चेक टीबीएस के क्वेश्चंस को क्लेम करना है. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस लेने हैं और कब आपको मेल आएगा, कैसे रजिस्टर करना है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेरीज जो होती हैं उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन आप क्लेम करते हो उसको आपको कैसे लिखना है, उसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे देना है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपके क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं हो रहे. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने वर्ड में जाना है. ठीक है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस क्लेम करते हो उसका आंसर आपको किस में लिखना होता है, एमएस वर्ड में. उसके बाद जब आप क्वेश्चन क्लेम करते हैं ना, आपको मेल में वो डॉक की सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको एमएस वर्ड में कौन कौन सी सेटिंग्स करके रखनी है, तब आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे. ठीक है, जैसे आपको आपका बुक आईडी नंबर दिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे आपने कौन सी प्रॉब्लम जो क्लेम की है वो आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे, आपको एड देंगे, ऑथर्स की आईडी प्रोवाइड की जाती है. जैसे जो मैंने ये आपको लिख के दिया है, ये सारा आपको आपकी मेल आईडी में मिल जाएगा. ठीक है, तो एक सैम्पल भी आपको दिया जाता है चेक टीबीएस के द्वारा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है. ठीक है, आप वहाँ से देख के भी आइडिया ले सकते हैं. फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जो सेटिंग्स है, पहले आपको क्या करना है, अपना पेज सेटअप सही करना है. जैसे उन्होंने पेज सेटअप में उसका मार्जिन गिवन है कि कितना आपको मार्जिन रखना है. ठीक है, 1.25 एंड 1 एंड ऐसे समथिंग उनका मार्जिन है, वो आपको चेंज करना है. उसके बाद आपको पोर्ट्रेट मोड में रखना है, सिंगल स्पेसिंग रखनी है, आपको उसका बॉडी टेक्स्ट चेंज करना है. तो जो भी उन्होंने आपको डॉक सेटिंग्स के लिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हैं, आपको वो सारी चेंज करनी है पहले. ठीक है, क्वेश्चन लिखने से पहले. उसके बाद क्या करना है आपको, आपको अपना टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है. ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज होगी वो इसमें लिखनी है. आपको फॉन्ट साइज भी गिवन होता है कि आपको 12 ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना. ठीक है, और ये नहीं कि आप रेड से लिख रहे हो, ब्लैक कलर ब्लू कलर ले रहे हो, सिंपली आपको ब्लैक कलर से ही लिखना है. कोई कलर्स आप यूज़ मत कीजिए, सिंपल फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को लिखिए. उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिया है, यहाँ पे आपको बुक आईडी दी जाएगी. राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बुक आईडी लिखनी होती है. फिर आप हाइफन डालेंगे, चैप्टर आपको दिया होता है, जैसे कि ये बुक आईडी है आपकी 1738, हाइफन फिफ्थ चैप्टर है, और फिफ्थ चैप्टर की आपकी 35 प्रॉब्लम है. ठीक है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होता है. उसके बाद आप थोड़ा स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे आपको एड लिखना है. ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको आपके मेल्स में मिल जाती है जब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ आप ऑथर्स आईडी लिखेंगे, देन आप सेमीकोलॉन्स डालेंगे, फिर आप 1389 आपको गिवन होगा, फिर आप ये डालेंगे. ठीक है, ये सब करने के बाद आप डेट लिखेंगे. डेट लिखने के बाद आपका सबसे मेन आता है डेलिमिटर्स का. प्रॉब्लम आती है कि बच्चे कई बार डेलिमिटर्स क्या होते हैं, गलत डाल रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा. आप जब ये लिख लेंगे ना, आप क्या करते हो, आप एंटर कर देते हो, उसके बाद तीन बार हाइफन डालते हैं डेलिमिटर्स के लिए, एंटर करते हैं, तो ये स्पेसिंग नहीं लिया जाएगा. देखो बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा है इसके नीचे, ये गलत वे है, आपको ऐसे नहीं करना है. इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार नहीं, एक बार फिर एंटर करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से डेलिमीटर्स को क्रिएट करेंगे. तो ये जो प्रॉपर स्पेसिंग है ये आपकी राइट है, आपको एक एंटर नहीं करना है, आपको डबल एंटर करना है, उसके बाद आपको लिखना है. ठीक है, एंटर करने के बाद ही आप क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब आपने एंटर कर दिया. अब जैसे आपका कोई क्वेश्चन इन्फ्लेशन से या किसी से भी रिलेटेड है, आप क्या करेंगे, या आपने एंटर किया, आप एक बार और एंटर करेंगे या हेडिंग लिखेंगे. ठीक है, हेडिंग कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपने लिखा आपका टॉपिक था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद आपका टॉपिक, जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपका टॉपिक है, तो आपने लिख दिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको फिर बोल्ड कीजिए. बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, सेमी कोलोन दीजिए, एंटर कीजिए. ठीक है, एंटर करने के बाद एक और बार एंटर कीजिए,
उसके बाद इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि कुछ भी आप इसके बारे में, पहले आपको मीनिंग लिखना होता है हमेशा जब भी आप क्वेश्चन क्लेम करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिला है, सबसे पहले आप उसका मीनिंग दीजिए, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि टॉपिक किसके बारे में है। जैसे इन्फ्लेशन का टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो मैं ऐसे आपको बताने के लिए लिख रही हूँ जैसे आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ये आप सबने लिख दिया। लिखने के बाद ये नहीं कि आप सिंगल लाइन लिख रहे हैं फिर से डेलिमिटर्स दे रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि क्वेश्चंस लेंथी दिखाने के लिए आप एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं और डेलिमिटर्स देते जा रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन लिखिए, जैसे कि ये 3-4 लाइनों का होगा, अभी तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, आप इसको प्रॉपर 3-4 लाइन्स में लिखिए, उसके बाद फिर से एक एंटर कीजिए, फिर एंटर कीजिए, फिर आप डेलिमिटर्स दीजिए। ठीक है, ऐसे आपको अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जब आपका एक पेज खत्म हो जाता है, पेज ब्रेकर आप लगाते हो, जब पेज खत्म हो जाएगा आपको एंड में डेलिमिटर्स नहीं देना। ठीक है, आपको एंड में नहीं देना और नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में नहीं देना, आपको सिर्फ बीच में जब क्वेश्चंस लिख रहे होते हो तभी देना। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, और प्लीज कॉपी मत कीजिएगा, अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं ना तब भी आपके क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपने कौन से सोर्स का यूज किया है और क्वेश्चन को लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेल्स आएगी, मेल में आपको आपकी बुक आईडी, एड सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। एमएस वर्ड में जाइए, जो भी सेटिंग्स आपको बोली है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेटिंग्स कीजिए, पेज सेटअप को चेंज कीजिए, मार्जिन को चेंज कीजिए, पैराग्राफ्स को चेंज कीजिए, पोर्ट्रेट मोड चेंज, सब कुछ चेंज करने के बाद ये लिखिए। आप जब ये लिख देंगे एक बार और एंटर कीजिए, दो बार एंटर करके डेलिमिटर्स दीजिए, आफ्टर दैट हेडिंग दीजिए बोल्ड में, फिर एंटर कीजिए और अपना जो भी पैराग्राफ है उसको स्टार्ट कीजिए। पैराग्राफ को ज़्यादा लेंथी भी नहीं कि पूरा एक पेज लिख दिया उसके बाद आप दोबारा डेलिमिटर्स दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिख के डेलिमिटर्स देते जाइए। ठीक है, और आपको एंड में नहीं देना और आपको स्टार्टिंग में नहीं देना, नेक्स्ट पेज के इसमें तो देना है, जैसे ही आपका पेज खत्म हो जाता है नेक्स्ट पेज पे आप सिंपल लिखेंगे, डेलिमिटर्स नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। तो आई होप जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि डेलिमिटर्स कैसे डालना है, कैसे क्वेश्चंस करना है, वो आपको समझ आ गया हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।